साल 2016 में आलमी शोहरत याफ्ता इकबाल अमजद साबरी 22 जून को कराची में कातिलाना हमले में जान बहक हो गए। तहलका टीवी अमजद साबरी को खराज तहसीन पेश करता है, इस हवाले से देखते हैं खसूसी रिपोर्ट। दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, अल्लाह तो किसी चीज का मोहताज नहीं। चालीस साल अमजद साबरी मरूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे और असर हाजिर में कवाली के शोबा में सफ़े अव्वल के कवाल माने जाते थे। मकबूल साबरी ने अपने भाई मरहूम गुलाम फरीद साबरी के साथ मिलकर दुनिया भर में कवाली मुतारफ़ करवाई और आरिफाना कलाम में अपना नुमाया मकाम बनाया। अमजद साबरी कवाली के शोबा में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दिलकश आवाज़ इनफरादियत की वजह से दुनिया भर में मकबूलियत हासिल करने में कामयाब रहे। अगरचे अमजद साबरी को इस दुनिया में गए सिर्फ अभी 6 माह का अरसा ही हुआ है, लेकिन इनकी यादें हर गुजरते दिन के साथ वैसे ही जिंदा नजर आती हैं और खुद उनके बेटे मुजद्दद साबरी अपने वालिद का फन लेकर उनके सफर को आगे ले जाने के लिए पुर